दोस्तों आज के समय में आयुष्मान कार्ड जो है एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से आप जो है फ्री में 5 लाख का इलाज करा सकते हैं, वो भी भारत सरकार के द्वारा जो है यह सुविधा दिया गया है कि अपने आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं होता है कि आप अपना आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं प्रक्रिया बताऊंगा, इस प्रक्रिया से बच्चे भी जो है आयुष्मान कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप अपना आयुष्मान लिस्ट में नाम चेक करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से आप अपना आयुष्मान लिस्ट में नाम चेक करेंगे, किस तरह से आप जो है PDF डाउनलोड करेंगे। जैसे हमारे पास ये PDF है, मान लीजिए आप ग्रामीण इलाके से है चाहे शहरी इलाके से, तो गांव का उस शहर का पूरा PDF जो है किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, जिस तरह आप हमारे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर PDF दिख रहा होगा, तो इस तरह का PDF जो है किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसमें आपको सर्च करना है beneficiary.nha। यहाँ पर जैसे हमने वेबसाइट सर्च किया, यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारा जो है बहुत सारा पेज वेबसाइट का लिंक आ गया है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड में एक ऑप्शन दिख रहा है beneficiary.pmjay, यहाँ दिया है ना, इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा आयुष्मान भारत का, जो कि न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसमें नाम चेक करने के लिए यहाँ पे आप इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पे भी दिया हुआ है 5 लाख का मुफ्त इलाज है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें जो है नाम चेक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, एक बेनिफिशरी और एक ऑपरेटर लॉगिन वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ बेनिफिशरी वाले को टिक ही रहने देना है। यहाँ पे मैंने बेनिफिशरी टिक रखा है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। जैसे मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं तो आपके यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाता है, इस वेरीफाई पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा ये सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद आपके मोबाइल पर OTP जाता है। यहाँ पर OTP फिलअप का सेक्शन आ गया है, यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है जो कि आपके मोबाइल पर जाता है। OTP डालने के बाद यहाँ जो कैप्चा दिए गए हैं, इस कैप्चा को आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। यहाँ से हम कैप्चा फिलअप करते हैं, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का यह वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है स्टेट, अपना जो भी स्टेट से उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्कीम जो है, दो स्कीम दी है, एक BOCW एक PMJAY है, तो आपको यहाँ सेकेंड ऑप्शन PMJAY को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी ज़िला है वो ज़िला को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए हम यहाँ से ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सर्च बाय में दोस्तों, यहाँ जो है मैं नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, एक फैमिली ID है, आधार नंबर है, नाम है, लोकेशन अर्बन है, रूलर है और लोकेशन अर्बन। अगर आप ग्रामीण से है तो रूलर का इस्तेमाल करेंगे, अगर शहरी से है तो यहाँ पे अर्बन का इस्तेमाल करेंगे, और PMJAY ID। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन से आप यहाँ से अपनी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर नाम से चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नाम जो है डालना है करा, तो चलिए हम यहाँ से कोई भी नाम डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम डाला और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा इस तरह से ये सर्चिंग लेगा, और यहाँ देखिए इस नाम से जो बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट में दिख जाते हैं, तो अगर इसमें से कोई भी आपका नाम है तो मिल जाता है तो यहाँ से देखेंगे। अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बना है या नहीं बना है या फिर बनाना बाकी है, तो किसका नहीं बना इस चीज़ देखने के लिए देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ कार स्टेटस में देख रहे हैं नॉट स्टेट जनरेटेड, यानी जहाँ नॉट जनरेटेड लिखा हुआ है तो उनका कार्ड नहीं बना है, और जहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ है यहाँ कार्ड जो है बन चुका है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया, जिसको आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं।
यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना है कि अगर आपका बना है तो चेक करना है तो यहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अप्रूव्ड यहाँ लिखा हुआ है और डाउनलोड का सेक्शन आ गया है तो समझ लीजिए कि आपका कार्ड बना हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नॉट जनरेटेड लिखा हुआ है और यहाँ पे ई केवाईसी का ऑप्शन दिया तो ई केवाईसी करके जो है आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से देखिए, लेकिन यहाँ से नाम से खोजने में जो है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये चीज़ जो यहाँ से आपको टफ होने वाला है, तो मैं अब दूसरा ऑप्शन में बता रहा हूँ आधार कार्ड से। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आधार कार्ड से जो है जुड़ा होगा तो आप डायरेक्टली आधार कार्ड से सर्च कर सकते हैं, आधार से खोजने में आपको आसानी होगा या फिर फैमिली से आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, आधार नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया है और यहाँ पे जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा सर्चिंग लिया इस तरह से और देखेंगे और यहाँ देख रहा है नो बेनिफिशियरी फाउंड। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा आधार नंबर से सर्च करते हैं तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिख जाएगा, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। चलिए एक दूसरा आधार नंबर मैं डाल के दिखाता हूँ, अगर उसका लिस्ट में नाम हो तो वो किस प्रकार से आपका यहाँ पर दिखता है। तो ये चीज़ मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा आधार नंबर जो है डाल लेता हूँ और यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, अगर इस लिस्ट में आधार नंबर से लिस्ट में नाम होता है, देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट में नाम आ चुका है, तो जिनका आधार नंबर डाला यहाँ उनका नाम दिख जाता है, उनका फादर नेम है यहाँ पे और वेरीफाइड और अप्रूव दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो है कार्ड जो है बन चुका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाता है, तो यहाँ से हम अपना आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें इसकी इन एक ही आधार नंबर से उनके फैमिली में जितने का भी नाम होगा यहाँ पे लिस्ट में दिख जाता है, जिसका नहीं बना होगा यहाँ पे नॉट जनरेटेड लिखा, जिनका बना होगा यहाँ पे अप्रूव्ड लिख जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आप अपने लिस्ट में नाम। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी गाँव का सर्च करते हैं, चलिए मैं यहाँ से कोई रूलर ले लिया गांव का, इसके बाद यहाँ पे जो ज़िला होता है वो ज़िला आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद जो गांव होता है उस गांव को आपको सिलेक्ट करना है जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, इसके बाद आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे उस गाँव का पूरा लिस्ट में नाम आ गया है। अब इस लिस्ट को PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा लाल कलर में PDF का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ देखिए सर्चिंग ले रहा है, सर्चिंग लेने के बाद किस प्रकार डाउनलोड होता है डाउनलोड करके इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे PDF फाइल डाउनलोड हो रहा है, हम इसको जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा PDF जो है उस गांव का जो है पूरा PDF हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखने को आपको मिल रहा होगा। तो इस तरह से जो है PDF आप यहाँ से पूरे गांव का पूरे कस्बे का पूरे मोहल्ले का जो है PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने आयुष्मान कार्ड लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।